नमस्कार मित्रों, हम आयुर्वेद इतिहास हिंदी भाषा में देख रहे हैं और उसका आज द्वितीय लेक्चर दूसरा व्याख्यान हम ले रहे हैं। तो आज हम विशेषतः इतिहास इस विषय की आवश्यकता, आयुर्वेद इतिहास समझने के लिए या जानने के लिए कौन-कौन सी सामग्रियां लगती है और विशेषतः काल यानी टाइम पीरियड जो है उस हिसाब से उसके प्रकार कितने होते हैं और किस दृष्टि से काल का विभाजन करके इतिहास का अध्ययन किया जाएगा, इसके कुछ और डिटेल्स हम आज देखेंगे दूसरे व्याख्यान में। तो आशा है आप सबको ये व्याख्यान समझ में आएगा। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने आयुर्वेद की निरुक्ति अध्ययन की थी और निरुक्ति अध्ययन के बाद आज अभी हम इतिहास की व्याख्या देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास की व्याख्या कैसे समझे, निरुक्ति हमने देखी थी इतिहास, इति ह अधिक हास यानी ऐसी घटनाएं घटी थी, ऐसी निरुक्ति हमने देखी थी। इट वॉज टोल्ड और इट वॉज डिस्क्राइब, सो इस अर्थ से हमने निरुक्ति देखी थी। अब हम इतिहास की व्याख्या देख रहे हैं। व्याख्या हमें विष्णु पुराण के श्रीधर स्वामी जी के टीका में मिलते हैं, धर्मार्थ क्वा मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो श्रीधर स्वामी जी अपने टीका में विष्णु पुराण के बताते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनके उपदेश द्वारा पुरावृत्त कथा से युक्त जो वाङ्मय प्रकार होता है यानी साहित्य का प्रकार होता है उसे इतिहास कहते हैं। अब पुरावृत्त कथा क्या है? पुरावृत्त कथा यानी जो पहले घट चुका है, ये घटनाएं पहले हो चुकी है उसको पुरावृत्त कथा है। तो हम ये आसानी से समझते हैं, तो भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का डिटेल डिस्क्रिप्शन या पूर्णतः उसका विस्तार से वर्णन और शास्त्रीय पद्धति से उसका किया गया अभ्यास यानी इतिहास है। अभी आपको इस मेरे व्याख्यान में या इतिहास के भविष्य के व्याख्यान में भी बहुत सारे पुस्तकों के अंश जैसे के वैसे मिलेंगे, तो आपको लगेगा शायद किसी और के पुस्तक से ये लिए गए हैं। तो मेरा और मेरे गुरुजी वैद्य दिलीप गाड़गे, हम दोनों ने लिखा हुआ आयुर्वेदी पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास हमारी पुस्तक है जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। और महत्वपूर्ण बात इसमें से यह है कि इतिहास में जो अंश लिखे गए हैं वो बहुत सारे उनके ऊपर मेरा योगदान है, उन अंशों के ऊपर, इसलिए उसमें से डायरेक्टली हमने यह अंश लिए है। हालांकि ये पुस्तक मराठी में है इसलिए मैं आप सभी को रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आधारभूत वो पंक्तियाँ जो है हिंदी व्याख्यान के लिए भी उपयुक्त सिद्ध होगी इसलिए मैं वह ले रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्याख्यान 1 घंटे का या 40 मिनट का लेने के लिए पीपीटी और उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो थोड़ा प्रयास मेरा भी अध्ययन हो रहा है और आप सभी लोगों का जो उत्साह है वह देख के मैंने ये हिंदी में भी व्याख्यान लेने का प्रयास चालू किया है। तो इस प्रस्तावना के बाद जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेद इतिहास। तो आयुर्वेद इतिहास या कोई भी शास्त्र का इतिहास हो उसके ज्ञान का महत्व क्या है, तो इसको हम कैसे जाने? तो हम आयुर्वेद क्षेत्र को अभी हमारी पूरा जो आयु है वो समर्पित करने जा रहे हैं या समर्पित किया है। तो जिस शास्त्र के लिए हम हमारी आयु समर्पित किए हैं वो हमारा आगे जाके करियर होगा, हमारा बन चुका है। तो इस क्षेत्र में जिन जिन व्यक्तियों ने उपाधियों ने काम किया है या उनका योगदान है उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक काल से देखें तो आयुर्वेद में या आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत प्रकार के स्थित्यंतर आ चुके हैं। जैसे
आदिकालीन वैद्य शास्त्र, वेदों में आयुर्वेद, वेदों के उपरांत यानी वेदोत्तर काल में जो साहित्य की उत्पत्ति हुई या निर्मित हुई, जैसे उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण इत्यादि, उनमें कौन सा किस प्रकार से आयुर्वेद का वर्णन है? प्राचीन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स या हस्तलिखित प्रतियां है, शिलालेख है, विविध जो परदेशी यात्रेकरु थे, यात्रेकरु यानी जो ट्रैवलर्स थे, उनका लेखन या उनकी डायरीज, और फिर संहिता काल, बौद्ध काल, फिर स्वातंत्र पूर्व का आयुर्वेद, स्वातंत्र के बाद आयुर्वेद की प्रगति किस प्रकार से हुई है, आयुर्वेद में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार विदेशों में यानी भारत छोड़ के अन्य देशों में किस प्रकार से हुआ है, ये सभी विषय का ज्ञान यानी आयुर्वेद की परिधि, और उस परिधि आज तक हम जहाँ तक है वह किस प्रकार से आई है, उसकी पूरी जानकारी हमें इतिहास के ज्ञान से प्राप्त होती है, और यही इसका महत्व है। अभी इस आयुर्वेद इतिहास ज्ञान की उपयुक्तता क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेद हिस्ट्री? तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे बताया जाता है, बहुत वाङ्मय में इसकी चर्चा आई है, साहित्य में चर्चा आई है, कि इतिहास ज्ञान होने के बाद मन का पोषण होता है सबसे पहले तो, यानी अवर माइंड गेट सेटिस्फाइड, क्योंकि जिज्ञासा जो होती है उसकी परिपूर्ति बहुत अंश तक इतिहास के ज्ञान से होती है। स्मरण शक्ति को चालना मिलती है, उत्तेजना मिलती है, यानी यू हैबिट टू मेमोराइज आई थिंक, तो स्मरण शक्ति में हमारे वृद्धि जरूर होती है इतिहास के ज्ञान से। कल्पना शक्ति जो है वो वृद्धिंगत होती है यानी बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो विचार की शक्ति है, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू थिंक, दैट वी गेट यू नो हैबिट ऑफ इट ड्यू टू नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। सो इसके सिवा इतिहास का ज्ञान होने से मानवीय आयुष्य में जो भी शाश्वत तत्व है, जिनके द्वारा मनुष्य जो है वो अपना वर्तमान और भविष्य की संभाव्यता तय करता है, वो हमें समझने में सहायक होती है, और इसलिए इतिहास के ज्ञान छोड़कर हम आगे का भविष्य जो है वो निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए भविष्य के हमारा जो मार्ग है उस मार्गक्रमण की निश्चिति के लिए हमें इतिहास की बहुत ही उपयुक्तता सिद्ध होती है। इसके आगे जाएंगे, और ये जो ज्ञान है ये एक अविरत ऐसी प्रक्रिया है, और काल के अनुसार उसमें जो रूपांतरण या बदल परिणमन होते हैं वह भी हमें इतिहास ज्ञान से ही होते हैं, और इसकी पद्धति हमें केवल और केवल इतिहास के ज्ञान से या इतिहास ज्ञात होने से होता है। ठीक है, इसीलिए यह ज्ञान, बहुत सारे लोग कहते कि यह पुराना है, हो गया, अभी इसका क्या फायदा, लेकिन देखिए यही जो ज्ञान है वो पुरातन होने के बावजूद भी नित्य नूतन होता रहता है, ऐसे कहा जाता है बहुत बार, आपने फिल्मों में भी कहा होगा, हिस्ट्री रिपीट्स। सो अच्छी चीजें जो है वो रिपीट होनी चाहिए, और जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये हमें इतिहास से पता चलता है। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपब्रुहयेत, ये चरक सूत्र स्थान 15वें अध्याय में श्लोक आता है। इसका अर्थ ये होता है कि उपब्रुहन का कार्य जो है यानी साहित्य या अपना ज्ञान जो है आपको अगर बढ़ाना है तो वह कार्य केवल और केवल इतिहास और पुराण इनके अभ्यास के द्वारा, इनके ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ठीक है, और इसलिए चरकाचार्य भी ये चरक सूत्र स्थान 15वें अध्याय में बताते हैं आतुरालय के संदर्भ में, कि इतिहास और पुराण इनके तज्ञ जो है उनका मार्गदर्शन आप क्लिनिक सॉरी हॉस्पिटल बांधते समय जरूर लेना चाहिए, यानी वह भी चरकाचार्य भी इतिहास तज्ञ या इतिहास के जानकार लोगों के मतों का आदर करते थे और उनका स्वीकार करते थे, यह हमें उससे पता चलता है। अभी आगे देखेंगे इतिहास की साधन सामग्री एवं पद्धति। तो
ये सभी पॉइंट्स जो हमने टाइटल के तौर पे लिए हैं, ये आपके सिलेबस में एज इट इज पॉइंट है, तो ये जरूर एसएक्यू के तौर पे पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क या 5 मार्क के लिए। इसके ऊपर आप ध्यान देना जरूरी है। तो मीन्स एंड मेथड ऑफ हिस्ट्री, इस शब्द से ये पॉइंट आपके सिलेबस में है। तो देखिए, कौन से भी शास्त्र का इतिहास हो, केवल आयुर्वेद का नहीं, अन्य कोई शास्त्र या वांग्मय का भी इतिहास ले लो आप, या कोई संस्कृति का इतिहास लो, तो कौन सा भी शास्त्र है, तो उसका इतिहास का अध्ययन करते वक्त आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और उसका धागा पकड़ के आप इतिहास को जानते हैं। तो ऐसे जो सामग्रियां हैं, ऐसी जो मेथोडोलॉजी है, वो है क्या? तो सबसे पहले तो वांग्मय, यानी उससे संबंधित, उस देश से संबंधित, उस शास्त्र से संबंधित जो भी साहित्य है। साहित्य यानी क्या? ग्रंथ होंगे, पुस्तकें होंगी, उनका अध्ययन। तो तत्कालीन जो वांग्मय या साहित्य ग्रंथ रहेंगे, उनके द्वारा उस वक्त की राजकीय परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, इन सभी का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और इसलिए आयुर्वेद शास्त्र का हमें अगर वांग्मय अगर कोई है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण पुराण और अष्टादश पुराण, बौद्ध वांग्मय, जैसे सुत्त पीटक इत्यादि, हमने पिछले लेक्चर में इसको थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाला है। उसके बाद शिलालेख। तो देखिए, इस चित्र भी थोड़े लेने का प्रयास किया है, पहले वांग्मय का संबोधन लिया है, ये अशोक का स्तंभ है। और इस प्रकार के शिलालेख जो है, शिला यानी पत्थर, और पत्थर पे जो कुछ वर्णन लिखा है लिपिबद्ध, उससे भी हमें बहुत सारे ज्ञान उस समय की पद्धति का, या उस समय की परिस्थिति का, और उस समय की आरोग्य व्यवस्था, चिकित्सालय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और आयुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण, इनके बारे में जानकारी मिलती है। न केवल शिलालेख, बिल्कुल ताम्रपट या किसी बर्तनों पे भी लिखी चीजें हैं, किसी दीवारों पे लिखी चीज है, स्तंभ के ऊपर लिखी चीजें हैं, ये सभी जो लेख है, वो हमें इतिहास की सामग्री के तौर पे हमें उसका जरूर मदद मिलती है। और इसका उदाहरण अशोक का स्तंभ लेख, हमने यहाँ पे स्तंभ लिया है जिसके ऊपर शिलालेख विद्यमान है, और उस समय की भाषा में है, विशेषतः पाली भाषा में। तीसरा है अवशेष, यानी ये मोहनजोदारो का यहाँ पे उत्खनन का पूरा नगर देख रहे हैं, ठीक है? तो उस समय के नगर की अवशेष, उत्खनन में जो जियोलॉजिकल उत्खनन में प्राप्त होता है, तो वह भी हमें इतिहास की सामग्री के तौर पर उपयुक्त है। विविध या भिन्न प्रकार की जो केव्स है, जैसे ये अजंठा केव का मैंने चित्र लिया है, महाराष्ट्र के एलोरा की केव्स है, कार्ला की केव्स है, तो उनमें से हमें संस्कृति का पता चलता है। उस समय की जो कॉइन्स रहेंगी, जो यहाँ पे चित्र लिया है, ठीक है, तो उस कॉइन से फिर मुद्राएं कोई राजाओं की, महाराजाओं की, सम्राटों की होती थी, वो ये सभी इतिहास की सामग्री। आगे उस उत्खनन में जो भारत सरकार द्वारा उत्खनन किया जाता है, उसमें जो प्रकाशमान वस्तुएं होती है, जैसे संपूर्ण शहर है, उस समय के टॉयज या खिलौने हैं या बर्तन है, जैसे यहाँ पे ये आपके सामने एक बैलगाड़ी है, तो ये इंडस वैली, सिंधु संस्कृति के सिविलाइजेशन का, यहाँ पे हमें उस समय किस प्रकार का सिविलाइजेशन हुआ होगा, होता होगा, इसका एक हमें पिक्चर दिखाने का कार्य करता है वो, या उसकी हमें कल्पना करने का जरूर उससे मदद मिलती है। फिर ये विभिन्न खिलौने हैं, डॉल्स है, ये मोहनजोदारो में प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से उस शहर कैसा था, वहां में नालियां कैसे थी, वहां पे शौचालय की व्यवस्था कैसे थी, पानी की व्यवस्थाएं कैसी थी, ये सभी बातें, और वहां पे मार्केटिंग कैसा था, मार्केट्स कहाँ लगते थे, ये सभी बातें उससे पता चलती है। दूसरा, पांचवा मुद्दा यहाँ पे किया है, इतिहास काल में जो भी परदेश से भारत आए हुए यात्रेकरु थे, यानी जो भी विजिटर्स थे, जैसे यहाँ पे चित्र दिया है,
ह्यू एंड सिंग का, यानी जिसे युआन शोंग भी कहते, चाइनीज ये विजिटर था, और उसने अपने प्रवास के जर्नी के ट्रैवलिंग के दौरान जो जो उसको अनुभव आए उसने अपने डायरी में लिखे हुए हैं, और उसका भी इतिहास की साधन सामग्री के ऊपर और उसकी पद्धति के तौर पे इसका हमें उपयोग जरूर होता है। तो ये संक्षिप्तता मैंने आपको बताया, तो इसके और डिटेल्स जरूर है, लेकिन हम आयुर्वेद इतिहास विषय में केवल इतना ही उसको देखेंगे। आगे जाते हैं, टाइम पीरियड हैपनिंग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आयुर्वेद। सो काल की घटनाक्रम यानी टाइम पीरियड, काल घटना एवं उनका आयुर्वेद के ऊपर क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, जैसे कोई आक्रमण है बाहर के लोगों का भारत के ऊपर आक्रमण, या फिर प्री वैदिक पीरियड में या अश्म युग में किस प्रकार से मानव रहता था, या फिर वांग्मय के क्या प्रकार थे, ये सभी वांग्मय से कुछ हमें उससे ज्ञात होता है क्या, वांग्मय निर्मिति के पहले कैसा था, वांग्मय के दौरान कैसा था वगैरह, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। काल गणना इस प्रकार से इतिहास में की जाती है। तो काल गणना यानी टाइम पीरियड जो है वो तीन प्रकार से नापा जाता है, बहुतांशतः मुख्यतः। तो सबसे पहले तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये पहला वर्गीकरण हम देख रहे हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स का होता है मुख्यतः, तो उसमें से ए यानी पहला प्रकार हम देख रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे स्टोन एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, और फिर उसके जो सब टाइप्स है वो तीन है। तो सबसे पहला है वो प्यालियोलिथिक एज, यानी इसको पुरातन अश्म युग भी कहा जाता है, यानी ओल्ड स्टोन एज सिविलाइजेशन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स टू 13,000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी। ओके, सो ये हो गया पैलियोलिथिक एज। उसके बाद मेजोलिथिक एज, तो ये मिडिल स्टोन एज सिविलाइजेशन है, लगभग 13,000 वर्ष से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, बिफोर सेंचुरी। उसके बाद न्यूओलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज सिविलाइजेशन, 10,000 टू 6,000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी। तो ये तीन सब टाइप्स हुए प्री हिस्टोरिक पीरियड के। उसके बाद प्री वैदिक पीरियड, ठीक है, और ये नापा जाता है 6,000 टू 5,000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी। उसके बाद वैदिक पीरियड, यहाँ से हमें ग्रंथ प्राप्त होने चालू होते हैं, वो है 5,000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी। और ये वैदिक पीरियड से ही हमें अग्निवेश तंत्र जैसे जो ग्रंथ है वो प्राप्त होते हैं, जिनकी इतिहास 5,000 वर्ष ईसा पूर्व का है। और चौथा मुख्य प्रकार है पहले क्लासिफिकेशन का, पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी 5,000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी टू टिल डेट आज तक जो है वो पोस्ट वैदिक पीरियड। तो इस प्रकार से प्री हिस्टोरिक, प्री वैदिक, वैदिक और पोस्ट वैदिक, ये सिंपल उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, काल गणना की जाती है ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से। अभी उसमें से पहला जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से पहला जो सब टाइप है वो है ओल्ड स्टोन एज सिविलाइजेशन। अब इस युग में या इस कालखंड में विशेषतः मनुष्य जो है वह अपने शिकार के लिए, खाने के लिए भटकता था, और ही वॉज यूज टू हंट एनिमल्स विद दिस स्टोन्स। उन्होंने अश्म का या पत्थर का उपयोग वो प्राणियों की शिकार के लिए या मछलियों की शिकार के लिए किया, करना प्रारंभ किया था। ओके, परंतु इस समय में ये जो पैलियोलिथिक एज है, सबसे पहला प्री हिस्टोरिक का, उसमें उसने घर या मकान बनाना या झोपड़े बनाना चालू नहीं किया था, और न कि कपड़े पहनना चालू किया था। ओके, तो इस प्रकार से वो जो है अपने शरीर को केवल घास फूस पत्ते जो भी अवेलेबल प्राकृत या नेचर में थे उनका उपयोग करता था। ओके, यानी कपड़े जो है यानी क्लॉथ
उसका उपयोग या उसने आविष्कार नहीं किया था, किंतु वो शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करने लगा था। दूसरा उपप्रकार जो है सब टाइप वो है मिडिल स्टोन एज सिविलाइजेशन, और इस काल में मनुष्य जो है उसने थोड़ा सा और अपने में डेवलपमेंट ला दिया था, और विशेषतः उसने वो पत्थर के जो हथियार थे शिकार के लिए वो और शार्प और पिन पॉइंटेड बनाना चालू किया था। ठीक है, और उसी प्रकार से उसने अपने को अच्छे प्रकार के जो विशिष्ट वनस्पतियां थी और उनके बड़े बड़े पत्ते थे उनका उपयोग चालू किया था पहनने के लिए या अपने गुप्तांग ढकने के लिए। ओके, और इसी काल में उसने अग्नि का भी जो उत्पन्न करने की कला थी और उसके ऊपर नियंत्रण पा लिया था, और अपने भोजन पदार्थ को या खाने के पदार्थ को पकाना भी चालू किया था। तीसरा प्री वैदिक पीरियड का उपप्रकार आता है नियोलिथिक एज, दैट इज न्यू स्टोन एज सिविलाइजेशन। इसमें उसने काफी प्रगति की थी, जैसे आप चित्र में देख रहे हो कुछ हथियार, उसने प्राणियों के शिकार के लिए उसने विशेषतः पत्थर देन लकड़ी और अयस्क यानी लोहा इसका उपयोग तथा ब्रॉन्ज और कॉपर का उपयोग भी चालू किया था। ठीक है, इसी काल में उसने अपने हाथों से बनाए हुए चमड़े के कपड़े जो है और उसके पत्तियों का उपयोग भी वनस्पतियों के चालू किया था, लेकिन उसमें और थोड़ा डिटेल्स या आप कह सकते हो नीटनेस आया था। सबसे पहले कि उसने वो अग्नि जो प्राप्त की थी पिछले एज में उसमें और थोड़ा उसमें सुधार करके उसका पकाने के लिए उसने इस्तेमाल और अच्छे प्रकार से चालू किया था, और खेती जो है वो खेती करना उसने प्रारंभ किया था। अभी ये प्री हमने जो पहला ये प्रकार देखा जिसके हम प्रकार देख रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने अभी देखा, उसके बाद में आता है प्री वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड 6000 to 5000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी ऐसा था, और इस प्री वैदिक पीरियड में विशेषतः पुनः एकता अपने को क्या दिखता है, इसको कॉम्बिनेशन दिखता है न्यू स्टोन एज सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड का। हम कह सकते हैं ये संक्रमण का काल है, और विशेषतः हम कह सकते हैं ये अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य जो भारत में आए हैं ऐसा इतिहास तज्ञ कहते हैं वह शायद इसी समय का वह घटना होगी। उसके बाद तीसरा प्रकार आता है वैदिक पीरियड, तीसरा काल का प्रकार आता है, और वह है 5000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी। यह काल जो है वह वैदिक वाङ्मय निर्मिति का काल बताया जाता है बहुत सारे इतिहास तज्ञों द्वारा, यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इनके संबंध या ये साहित्य निर्मिति जो वैदिक लिटरेचर है वह इसी काल में हुआ, और विशेषतः मनुष्य जो है मोर सिविलाइज्ड इस काल में हुआ था, और वह अपने को जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार पुरुषार्थ है उनके प्राप्ति के लिए विविध कर्म कांड जैसे होम हवन इत्यादि बातें वो सीख लिया था और बहुत अच्छे से वो कर रहा था। चौथा जो प्रकार है वो है पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल के बाद किया काल। तो ये है 5000 ईयर्स बिफोर सेंचुरी यानी वेद काल के उपरांत और तो आज तक। दूसरा काल गणना की प्रकार है उसको बिल्कुल सिंपल से आका जाता है वेद काल संहिता काल संग्रह काल और आधुनिक काल। तो ये वर्गीकरण विशेषतः हमें आपको एक बात बताना भूल गया, बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं या पूछते भी हैं, फोन करके पूछते हैं फिर व्हाट्सएप पे या यूट्यूब कमेंट पे कि इतिहास के लिए पुस्तक कौन सी अच्छी है। तो हिंदी भाषिकों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आचार्य प्रियवत शर्मा, जो कंटेम्पररी आयुर्वेदा या विषयानुसार ग्रंथ लेखन में उनको भीष्म पितामह भी कहे तो वह गलत नहीं होगा। तो आचार्य प्रियवत शर्मा जी का आयुर्वेद का आयुर्वेद इतिहास, और वह उनका पुस्तक का नाम है बृहत आयुर्वेद का इतिहास या आयुर्वेद वाङ्मय का इतिहास, इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। आयुर्वेद, हाँ अभी करेक्ट मेरे को याद आया, आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास ये उसका नाम है।
तो इस पुस्तक को आप जरूर उसका अनुशीलन करें। उसको विस्तार से बातें कही हैं, लेकिन नए सिलेबस पैटर्न में, यानी जो हम ही लेक्चर ले रहे हैं, उसमें उतना आयुर्वेद की डिटेल्स अपेक्षित नहीं है। लेकिन एक अध्ययनकर्ता को केवल परीक्षा के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसने ज्ञानवर्धन के लिए, जिज्ञासा परिपूर्ति हेतु अभ्यास करना चाहिए। ये तो समय की मांग है, इसलिए हमें परीक्षा की दृष्टि से अभी कर रहे हैं। चलते हैं, दूसरा जो कालगणना का प्रकार है वो वैदिक काल, संहिता काल, संग्रह काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है, यह विशेषतः कंटेम्पररी आयुर्वेदा में आता है। तो वैदिक काल, जैसा हमने देखा, 5000 ईयर्स टू 2700 ईयर्स बिफोर सेंचुरी। संहिता काल 2700 ईयर्स टू 600 आफ्टर डीके। ओके, तो ओरिजिनल पीरियड ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट इज ऑफ संहिता काल, यानी 2700 साल ईसा पूर्व और ईस्वी सन 6ठी शताब्दी। तो ये संहिताओं का निर्माण विशेषतः हुआ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग संग्रह संहिता, क्योंकि 6ठी शताब्दी का ये काल है, इसलिए इसको संहिता काल कहा जाता है। तो वैदिक काल में शास्त्रीय ग्रंथ को तंत्र ऐसे कहा जाता था, यानी अग्निवेश तंत्र, सुश्रुत तंत्र, ठीक है। और ये संहिता काल में शास्त्रीय ग्रंथों को संहिता ऐसी परिभाषा दी गई है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह संहिता, अष्टांग हृदय संहिता, ठीक है। जाते हैं आगे, संग्रह काल। एक्चुअली अष्टांग संग्रह इसमें आएगा, ठीक है, या अष्टांग हृदय। और उसके बाद शारंगधर संहिता है, या माधव निदान है, या भाव प्रकाश है, ये सभी संग्रह ग्रंथ के काल में ही आएंगे, या संग्रह काल में ही आएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज व्याख्यान युग, यानी संहिता ग्रंथों के ऊपर टीकाएं या उसका एक विशिष्ट भाग लेके बनाई गई ये पुस्तकें या ग्रंथ है, इसलिए इसको संग्रह काल कहा जाता है, या व्याख्यान काल या व्याख्यान युग भी कहा जाता है। और ये साहित्य की दृष्टि से विशेषता विभाजन है। और पहला जो था वो ऐतिहासिक, टोटली हिस्टोरिकल व्यू के दृष्टि से था, या उस एस्पेक्ट से था। आधुनिक काल यानी 1600 ईयर्स, ओके, डेफिनेटली ये ईस्वी सन के बाद है और टिल डेट आज तक इसको समानावयव युग भी करते हैं, ठीक है। यानी इसको इस पद्धति से समन्वय युग कहा है कि ये पुरातन एवं आधुनिक इनका एक मिश्रण है, उत्कृष्ट मिश्रण है, इसलिए इसको समन्वय युग भी कहा जाता है। ये तीसरा एक वर्गीकरण है, इसको बहुत आसानी से आप देख सकते हो। आचार्य प्रियव शर्मा जी भी इसको बताया है, प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल। ओके, सो एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। अब इसको थोड़ा सा हमने उस काल में या उस समय में घटना क्या घटी थी और उसका आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका कुछ आकलन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो सृष्टि विकास क्रम के जो चार महत्वपूर्ण स्तर आते हैं, वो है प्राग वैदिक यानी प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड और संहिता काल विशेषता, ठीक है। यानी ऐतिहासिक काल, यह संहिता काल को क्यों बताया कि वहां से हमें डिटेल्ड रेफरेंसेस वांग्मय के या ग्रंथ के साहित्य के प्राप्त है, इसलिए। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखें। तो उसमें का पहला जो है प्री वैदिक पीरियड या प्राग वैदिक काल जिसे कहा जाता है, तो इस काल में विशेषता मनुष्य जो है वो, जैसा हमने देखा, अश्मयुग में या अश्मयुग से भी पहले, या प्राचीन अश्मयुग जिसे हमने कहा था, वो जंगल में रहता था मनुष्य जो है, उसने गांव में या बस्तियों में रहना प्रारंभ नहीं किया था, और वह विशेषता जंगल के जो पशु पक्षी है उनके साथ ही रहता था, ठीक है। और फिर ये जो पशु पक्षी थे, उसमें से कुछ ज्यादा पशु जो है उनको नियंत्रित करने के लिए या अपना संरक्षण करने के लिए उन पशुओं से, जैसे शेर है या बाघ है, चीता है, उसने शस्त्रों की निर्मिति प्रारंभ कर दी थी, और अग्नि का निर्माण उसने सीख लिया था, भोजन पकाना सीख लिया था,
अपने को उपयुक्त ऐसे पशु पक्षियों का पालन करना, जैसे गाय बैल या मुर्गियां है, उसने उसका पालन भी चालू किया था, डोमेस्टिक एनिमल्स रखना। और फिर उन पशु पक्षी जो थे या जंगल में रहने वाले जो प्राणी थे उनका ऑब्जर्वेशंस वो करता था, उसको सूक्ष्मता से वो आकलन करता था कि अगर कोई प्राणी बीमार है तो वो नेचुरल उसके इंस्टिंक्ट थे, अंत प्रेरणा थी, वो नेचर में से ही कुछ चीजें या वनस्पतियां खाता था और फिर उससे ठीक होता था, या कुछ समय तक वो प्राणी बिल्कुल भोजन नहीं करता था, जैसे लंघन की चिकित्सा जिसे कहा जाता है, आज हम उसको कहते हैं, तो उपवास करता था या कुछ नहीं खाता था या केवल कुछ चुनिंदा वनस्पतियां ही खाता था, जैसे निसर्गोपचार में ये उदाहरण दिए जाते हैं। और फिर या कोई कुत्ता है या बिल्ली है, वो उसको अगर इंडाइजेशन हो गया, जीर्ण हो गया, तो वो किसी घास को खाती है और फिर उल्टियाँ करती है, तो एक अजीर्ण का चिकित्सा किस पद्धति से वो प्राणी करते थे। ठीक है, जैसे मैंने लंघन का बताया, गाय बैल अगर उनको कुछ अजीर्ण या इंडाइजेशन है तो वो उपवास करते हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व करने करके सीखा। और फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ व्याधियों के लिए कुछ विशिष्ट वनस्पतियां, चुनिंदा वनस्पतियां या घास वो खाते थे। और रक्तमोक्षण का उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई वो रिनोसेरोस है और उसका वजन काफी बढ़ गया है, तो वो क्या करता था, किसी वनस्पति के सहाय से अपने आप का खून जो है वो बहाता था, और कुछ समय तक खून बहाने के बाद वो कीचड़ में जाके बैठता था और उसी से वो रक्तस्राव जो है वो बंद करता था। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस या उसके नोटिंग्स थे, इसके द्वारा उसने अपने आप पर प्रयोग करना सीखा। और इसको केवल हम ये कह सकते हैं पशु पक्षियों की नैसर्गिक संवेदना, या ये आदि मानव की संवेदनाएं जो थी, नैसर्गिक भाव जो थे, उससे आदि मानव वैद्य तैयार हुआ। और ये विशिष्ट वैद्य शास्त्र का ज्ञान रखने वाले जो ग्रुप्स थे, वही फिर आगे जाके एक दूसरे के पीढ़ियों को वो अपने नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वो ज्ञान देते गए, और इस पद्धति से वो ज्ञान जो है चिकित्सा विषयक संकलित होने लगा। तो ये मैंने आपको जो चीजें बताई ये प्राग वैदिक काल के बारे में बताया जाता है। आगे है वैदिक पीरियड, तो इसमें मनुष्य काफी प्रगल्भ हुआ था और वह आदि मानव इस अवस्था से वो अपने आप को छोड़ के मानव या प्रगत मानव के दृष्टि से उसने मार्गक्रमण चालू किया था। और इस वैदिक पीरियड में विशेषतः उसने जो समूह थे या सत्ववान व्यक्ति उसमें से थे, जो प्रधान, जैसे जिसे हम ऋषि या मुनि कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चालू किया, सामाजिक नीति नियम चालू किया, और उनको सूत्र रूप में ढालना शुरू किया, और इसी को वेद ऐसा स्वरूप प्राप्त किया या प्राप्त हुआ। तो ये जो नियम है उन्होंने बनाए हुए या उस समय के, वो सभी को ज्ञात होने के लिए या अपने अगली पीढ़ी में पास ऑन करने के लिए उन्होंने उसको कंठस्थ करना, पठन करना, अध्ययन करना चालू किया। और ये जो नियम थे वो सबके लिए कंपलसरी थे, किसी विशिष्ट के लिए नियम थे और किसी के लिए नहीं थे, ऐसे बात नहीं थी। और इसी नीति नियम से उस समय का मानव जो है वो समाज में रहता था। ठीक है, और फिर इसी समय में वैदिक पीरियड में दक्ष प्रजापति, भास्कर, अश्विनी कुमार, इंद्र देवता, ये जो थे ये समाज के शासक के रूप में हो गए। तो समाज के शासक के रूप में इन्होंने अपना मार्गक्रमण किया इसी पीरियड में। आगे उन्होंने सर्व प्राणी मात्र के ऊपर भूत दया के दृष्टि से जो विभिन्न व्याधियां थी उनके ऊपर, समाज में भिन्न भिन्न व्याधियां जो है इसी काल में, मैं एक मैसेज भेज रहा हूं, सॉरी।
जो धर्म का अधपतन हुआ और धर्माचरण लोगों ने कम कर दिया, तो उसी समय व्याधियों की उत्पत्ति हुई। ये हमें चरक संहिता में वर्णन प्राप्त होता है। और उस समय भूत दया की दृष्टि से, पानी प्राणी मात्र की दया की दृष्टि से, ये जो वेदविद समाज शासक थे, उन्होंने इकट्ठा आके फिर कुछ समाज की उन्नति के लिए और कुछ अच्छे नियम किए, और फिर उनका पालन करने के वश फिर आचार्य भरद्वाज जो है उनको फिर इंद्र के पास भेज के कुछ आयुर्वेद का जो है डिसेंडिंग या आयुर्वेद का अवतरण जो है पृथ्वी के ऊपर हुआ। उसके बाद तीसरा पीरियड आता है जिसे प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस काल में विशेषतः जो वैदिक पीरियड में या वैदिक काल में नीति नियम रखे गए थे, उनको छोड़ना, ज्यादा प्रमाण में उन नियमों को भ्रष्ट करना या उनको तोड़ना समाज में लोगों ने प्रारंभ कर दिया। और फिर जो दुर्बल घटक थे उनको बलवान घटक जो है उनका शोषण करने लगे, और फिर समाज को और एक पद्धति से नियंत्रित करने के लिए उस वक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से उनकी विभाजन किए गए काम, उनका जो काम करने का परंपरा से पीढ़ियों से जो तरीका था उसमें यह व्यवस्था की गई। और उनके रक्षण के लिए राज्यकर्ताओं द्वारा पुरोहित वर्ग की व्यवस्था कर ली। और फिर क्योंकि ये पुरोहित वर्ग जो था वो कंठस्थ करने में वेद में उत्तम था, और इसीलिए उन व्यवस्था जो पुरोहित वर्ग की थी उन्होंने वेदों का अध्ययन करना वैसे के वैसे चालू रखा, और अन्य समाज जो था वो थोड़ा पिछड़ा रह गया उसके बाद। तो इसी के कारण आगे जो है वो, इन शॉर्ट में हम कहेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो गए लोग और नीति नियम छोड़ दिए, और इसलिए अपने देश का या प्रदेश का विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ किया, और इससे युद्ध जो है वो ज्यादा बढ़ने लगे और सामाजिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई। ईसा पूर्व 2000 से 1600 के दरमियान विशेषतः वास्तुशास्त्र, धनुर्विद्या, संगीत क्षेत्र इनमें अधिक प्रगति हुई, और वेद का अध्ययन जो है वो बिल्कुल नष्ट हो गया जरूर। फिर इसमें अधर्म से जो लोग बर्ताव कर रहे थे उन्होंने अपने जो नित्य नियम कर्म थे, निसर्ग की पूजा थी या प्रकृति को वो देवता मानते थे, जैसे जल, वायु, दिशा, काल, इनकी जो व्यवस्था थी, इनका इनके नियम जो थे वो ताक पे रखने बर्ताव करने लगे, और इसीलिए फिर हम देखते हैं जनपदों ध्वंस व्याधि जो है चालू हुए, जैसे अकाल है या भूकंप है, और इसके द्वारा जो गांव के गांव जो है वो उजड़ गए। इसी प्राग ऐतिहासिक काल में ईस्वीसन 1600 से 1400 मुख्यतः दो संप्रदाय हमें मिलते हैं, मंत्र संप्रदाय और तंत्र संप्रदाय। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आगे चौथा काल में जाते हैं हम, ऐतिहासिक काल या इसे संहिता काल भी कहा जाता है। मुख्यतः आज जो हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं वह इसी काल से है। वैदिक काल के बाद संहिता निर्माण जो है वो ज्यादा हुआ, और फिर इन वेदों को जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समझने वाले नहीं थे, उनको समाज की व्यवस्था के अनुसार ढालने का काम इन संहिताओं ने किया। और फिर छठी शताब्दी तक यानी बौद्ध काल जिसे कहा जाता है, वेद वाङ्मय, वेद संहिता और आयुर्वेद की अन्य संहिताएं भी जो है वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि, इस काल में ही उसकी उत्पत्ति परिपूर्ति हुई, और इसीलिए इसको संहिता काल कहा जाता है। और इंद्र जो देवता थी यानी नियंत्रक थी, शासक थी, उनके नेतृत्व के द्वारा इसी वेद साहित्य का जो है वो संहितिकरण जो है किया गया ऐसे कहा जाता है। और फिर इन सूत्रों का एकत्रीकरण करके उनको चार भाग में विभाजन किया गया, और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनकी रचनाएं हुई। इसका हमने पिछले लेक्चर में भाग देखा है, तो आगे जाएंगे। इन चार संहिताएं जो है वेदों की, जो वेद को वेद संहिता ऐसे भी कहा जाता है, फिर समाज में जो नीति नियम थे या वेद निर्मिति का मुख्य जो उद्देश्य था वो धर्म प्रतिष्ठापना थी,
या सामाजिक नीति नियम से सुख शांति से रहना है, एक दूसरे को मदद करके या एक दूसरे को तकलीफ न देते हुए। तो इसी काल में फिर चतुर्वर्णाश्रम जो है वह चालू हुआ, और फिर ये पौरोहित्य कार्य जो था, विशिष्ट एक विद्वान व्यक्ति या समूह जो था ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि वो वेद साहित्य को अपनाए हुए था, तो उनके पास ये काम था। और फिर आगे हमें दिखाई देता है, विशेषता ईस्वीसन पूर्व 1200 से 1000 के दरम्यान, ये व्याधि जो है वो प्रचंड उनका निर्माण हुआ पृथ्वी के ऊपर, और फिर महर्षि भरद्वाज जो है वो उनका सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, और जो ऋषि परिषद हुई थी हिमवत् पार्श्वे, चरक संहिता में जिसका जिक्र मिलता है, और फिर भरद्वाज महर्षि इंद्र देवता जो देवताओं के राजा थे उनको शरण गए, और फिर उन्होंने, इंद्र देवता ने जो दैवी परंपरा में आयुर्वेद था वो लौकिक परंपरा के लिए महर्षि भरद्वाज को दिया, और वह था त्रिस्कंद स्वरूप आयुर्वेद, यानी हेतु लिंग और औषध उसका स्वरूप इस प्रकार से था। और फिर भरद्वाज महर्षि द्वारा वो अत्रेय पुनर्वसु, और फिर अत्रेय पुनर्वसु जी ने अपने षट शिष्यों को अग्निवेश भेलश्च जतुकर्ण पराशराः हारित क्षारपाणिश्च जगृहु तन मुनेर्वचाः, इस सूत्र के द्वारा हमें ज्ञात होता है षट शिष्यों ने फिर अपनी अपनी संहिताएं बनाई और फिर इस समाज की आरोग्य व्यवस्था का कार्य किया। तो इससे आगे जो है वो हम फिर इन संहिताकारों का एक एक संहिता लेते हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चरक संहिता, उसकी रचना, उसके वैशिष्ट्य क्या है, और फिर उन उस संहिता के निर्माण के लिए कौन कौन के व्यक्तित्व का योगदान था, फिर टीका कौन सी है और टीकाकार क्या है, इस पद्धति से इसका आगे अध्ययन करते रहेंगे। आपको अगर कुछ प्रश्न और शंकाएं हैं तो जरूर पूछिए। आज का व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।